तय था कि सतीपत दास घर आएगा, चाय वाय पिएगा, शतरंज खेलेगा, जमकर आड़ेबाजी होगी। वैसे तो सतीपत दास रोज ही घर आता था, लेकिन आज खबर आई कि कुछ वर्दी पहने गोरे लोग उसके घर में घुसे और उसके घर के अंदर मेज, कुर्सी, बिस्तर, अलमारी सब पर पहले तो पेट्रोल छिड़का और फिर जलती हुई कुछ माचिस की तीलियां फेंक दी। सतीपत दास बेचारा चुपचाप अपने घर के बाहर इस मंजर को देख रहा था। कर भी क्या सकता था, गोरे लोगों के सामने कोई कुछ कर पाया है क्या आज तक? उसने एक साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई स्वराज के लिए साथ में आने की, और देखो आज उसका अंजाम क्या हुआ। उसके घर से, उसकी गलियों से, उसके घर के अंदर से उड़ता हुआ काला धुआं तांती बाजार की गलियों में बगलों की तरह आसमानों में घूम रहा था। और वो कर भी क्या सकता था, गोरे उनके सामने कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जो दिखाना चाहते थे, जो डर बैठाना चाहते थे, बैठा दिया। अब देखो उसके आसपास के आस पड़ोस के लोग, अब कुछ दिनों तक माहौल शांत रहेगा, कोई भी क्रांतिकारी हिम्मत नहीं करेगा एक भी कदम आगे बढ़ाकर स्वराज के लिए सामने आने के लिए। लेकिन जवाब देना होगा, पर इस वक्त हिंसा सही वक्त नहीं है। हम उनको जवाब देंगे लेकिन अहिंसा से। वैसे भी गांधी जी ने तो कहा है ना, परमो धर्मो अहिंसा परमो धर्मो। तो इस वक्त हम उनको जवाब देंगे, चुप नहीं बैठेंगे। खबर कर दो सब गांव वालों को कि स्वराज की लड़ाई है और सबको साथ में आना होगा। बोलना मैंने बुलाया है। इस वक्त अगर हम सब लोग एकजुट होकर साथ में नहीं लड़े तो ये स्वराज ऐसे आसानी से नहीं मिलेगा हमें। इस वक्त स्वराज के लिए हम लड़ेंगे तो एक इतिहास के सुनहरे पन्नों में हम स्मरण हो जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां खुशहाल हो जाएंगी। जब भी वो अपनी जिंदगी में, अपने व्यक्तिगत में देखेंगी, झांकेंगी, हिस्ट्री में झांकेंगी, हमें याद करेंगी कि हमारे स्वराज के लिए किसी ने अपनी जान दी थी, शहादतें दी थी। बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, बहने, भाई सब लोग हमें याद करेंगे। इस वक्त हम सबको एकजुट होकर साहस दिखाने की जरूरत है। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ये अंग्रेजी सरकार हमें कितना भी दबाने की कोशिश करे, लेकिन हम स्वराज को पाकर ही रहेंगे। तो सबको ऐलान कर दो, सबको बोल दो कि हम स्वराज की लड़ाई के लिए तैयार हैं और इस वक्त हम हिंसा नहीं अहिंसा से काम लेंगे।